अच्छी पिक्चर है, ज़्यादा लोगों को देखनी चाहिए, ज़्यादा औरतों को देखनी चाहिए जो घर में दुखी हैं, जो कुछ और करना चाहती हैं घर के काम के अलावा, तो बहुत इंस्पिरेशन है उनको मिलेगी। मूवी के बारे में कुछ आपका डिसअपॉइंटमेंट जैसा कोई पॉइंट है जिसमें नहीं, डिसअपॉइंटिंग कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, बड़ी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, तो मतलब इट इज़ ए गोल्डन पीरियड फॉर द कंटेंट। जैसे हम 60s को बोलते थे कि वो गोल्डन पीरियड था, बहुत अच्छा संगीत बना था, और ये जो पिछले कुछ सालों से कंटेंट बहुत अच्छा हो रहा है। पहले हम सोचते थे कि वो सिर्फ पेड़ों के इर्द गिर्द नाच नुच के फिल्में बना लो, लेकिन अब तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, एक से एक बढ़कर स्टोरी आ रही है। स्पोर्ट्स भी बहुत बन चुकी हैं और ज़्यादा बननी चाहिए। मैंने अभी किसी से कहा था, मैंने बोला कि अभी आउटडोर पे बहुत बन गई, अब एक इंडोर पे बना दो। कौन सा इंडोर? कौन सा? चेस पे बना दो। मूवी को लेकर कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टिंग? कास्टिंग का तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मुकेश छाबड़ा, उसने बहुत अच्छे बहुत सही बंदे चूज किए हैं, खास करके वो लड़का कहाँ से ढूंढ के लाया समझ नहीं आया। इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी वेरी बिग स्टार। कंगना रनौत की बात करें, माशाल्लाह क्या वो तो हमेशा वेरी सिंसियर, बहुत पूरा मन लगा देती हैं, खास करके उनके स्पोर्ट्स में तो लगता है बहुत हार्डवर्क किया ट्रेनिंग के दौरान। चार डेफिनेटली देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो भी जरूर देखेंगे, लेकिन बिटवीन द टू आई चोज दिस वन फर्स्ट। अगर मुझे प्रेफरेंस हुई, जैसे आज मैं दोनों में से दोनों 9, 10, 9, 15 के शो थे, बट आई प्रेफर दिस वन। जी सर, यही है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, भाई पंगा जी। तो पंगा की बात करें तो क्या इंटरेस्टिंग सीन लगा आपको पंगा में, कौन सी? इसमें सर जो इंस्पिरेशन मैसेज दिया गया है वो बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक सो हर पर्सन को देखना चाहिए, क्योंकि इंस्पिरेशन की जरूरत हर पर्सन को है। ये जो मूवी बनी है वुमेंस के ऊपर, वैसे वुमेंस को क्या सजेशन देंगे, क्या क्या कहना है आपको? मैं ये बिलीव करता हूँ, मेन हो या वेमेन हो, जेंडर इमटीरियल है, हर पर्सन को अपनी लाइफ में ये होता है कि मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, हर पर्सन का माइंडसेट होता है, एक सपना होता है, और वो इसमें एक ये कह सकते हैं कि मैसेज है कि कैसे हम उस चीज़ को अचीव करें, और वो सबके लिए। डायरेक्टिंग, एक्टिंग, कास्टिंग की बात करें तो क्या सबसे अच्छा लगा? मैं ये कहूँगा कि डायरेक्शन बहुत अच्छे से उन्होंने किए, एक्टर्स जितने उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिस किए, कंगना अपने रोल के लिए हमेशा माने गए कि उन्होंने अपने रोल के साथ बहुत अच्छे से निभाया, और इसमें भी उन्होंने अपने रोल के साथ में जस्टिस कर पाए। स्पोर्ट्स पे काफ़ी मूवी बन चुकी है, आप कौन सा स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं? मैं कहूँगा मैं शायद कोई एक स्पोर्ट्स नहीं, अपने देश में हम नॉर्मली देखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट को ही बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है, एंड आई थिंक सो ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स को अच्छे से एक इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ताकि हर स्पोर्ट्समैन को वो एक रिस्पेक्ट और वो दर्जा मिल सके। आप चाहते हैं कि कोई ऐसे स्पोर्ट्स की मूवी बने जिस पे जो आपको अच्छी लगती है, कोई स्पोर्ट्स जो आपको अच्छा? अगर अगर हम देखें तो हर स्पोर्ट्स, मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे हॉकी है, हॉकी पे हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, उनको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं, हमारे कई सारे और स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, उनको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती जो एक क्रिकेटर को मिल जाती है, तो वो हमें देखना चाहिए कि हमें दूसरे स्पोर्ट्स को भी इक्वली कैटर करना चाहिए, ताकि लाइक उन्हें भी वो रिकॉग्नाइजेशन और उन्हें भी वो चीज़ का सपोर्ट मिले। रेटिंग की बात करें तो कितना रेट करना चाहेंगे आप? मैं आउट ऑफ 5/4 जी। थैंक यू, बाय बाय। मूवी में प्रेम भी है, मस्ती भी है, अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा लगा फिल्म, और फिल्म में ज़्यादा कॉमेडी फिल्म ज़्यादा। एक्टिंग तो बहुत नंबर एक एक्टिंग में बहुत अच्छा, इतना बढ़िया लगा फिल्म, हंसते थे पेट फूल गया। अभी और देखना है, एक फिल्म और देखो, फिर अगले संडे को फिर देखना है। मूवी स्पोर्ट में बनी तो स्पोर्ट में अच्छा है। कौन सी स्पोर्ट बननी चाहिए और स्पोर्ट में अच्छी बननी चाहिए जो? अरे भाई स्टोर स्टार स्पोर्ट में होना चाहिए। कम से कम 50% देना चाहते हैं जी। तो आपने स्ट्रीट डांसर भी देखी है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छी मूवी है, मुझे लगता है हर वुमेन को देखनी चाहिए,
एंड राय के बारे में बोलूँगी कि मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज़ को कॉपी करना चाहिए आपको। ये रीमेक बनाने से बेटर है आप इस तरह के सब्जेक्ट्स लें। 20 साल से हमारे लाइफ और सोसाइटी में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, इसके बारे में मूवी है। अब पहले हम सैक्रिफाइस करती थी औरतें, जितना ज़्यादा वो अपने आप को सैक्रिफाइस करती उतनी ज़्यादा महान, उतनी ज़्यादा अच्छी है, ये बोलते थे। आज ये मूवी दिखा रहे हैं कि हाउ वुमेन अभी एक्चुअली में रियल में क्या होना चाहिए वुमेन को, एंड ये मुझे बहुत अच्छा, वो बिना किसी मेलोड्रामा, बिना किसी और को विलन बना के, बिना कोई सर्कमस्टांस के, आई थिंक ये बात बहुत अच्छी दिखाई है। आई विल से तनु वेद्स मनु में जैसा उनका कैरेक्टर था, नॉट डायलॉग्स वाइज, बस जिस तरह से उनका जो लुक था वो थोड़ा आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं लगा आपको कि ओ माई गॉड ये तो बहुत ही डिफरेंट कुछ लग रहा है। कंगना सीमलेस है रोल में, एकदम ईजिली कम्फर्टेबली कर लेती हैं, तो दैट्स बिकॉज वो अच्छी एक्टर है। तो ऐसा नहीं था कि कंगना रनौत ने कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है, वो बहुत ईजिली उस कैरेक्टर में आ जाती हैं। वो फर्स्ट टाइम मम्मी का शायद रोल कर रही हैं ये है, लेकिन वो भी वो एफर्टलेसली कर रही हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं। मैं मेन गई थी अश्विनी अय्यर तिवारी की मूवी देखने, बिकॉज मैं उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखती हूँ एज अ डायरेक्टर, तो मैं उनके लिए मूवी देखने गई थी। कंगना इज प्लस की वो, बट मुझे लगता है ये इट्स लाइक शाहरुख खान कैसे हैं, आमिर खान कैसे हैं, सब अच्छे है ही, मतलब इनके बारे में क्या नया आप बोलेंगे, दे आर गुड। फर्स्ट हाफ इज स्लो, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर एक लाइन का कंटेंट है तो आप कितना बोलोगे उसमें, कितने डायलॉग्स डालोगे और कितना ट्विस्ट डालोगे, तो वो वैसा है। वो फर्स्ट जो हाफ है थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है, बस ये मुझे लगा कि थोड़ा और उसको मे बी मूवी छोटी कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, या मे बी शायद कुछ ड्रामा डाल सकते हैं, आई डोंट नो। हाँ, कास्टिंग मुझे लगता अच्छी है, बहुत अच्छी है। कंगना के बेटे का जिसने रोल किया है वो भी बहुत अच्छा, स्मार्ट एक्टर है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, उसके रोल भी अच्छा है, उसके डायलॉग्स भी अच्छा है, और उसने खुद भी अच्छा काम किया है, तो वो एक्टर्स गुड। डायरेक्शन इज लिटिल आई थिंक स्लो हो जाता है, बट देन इवन कुछ मूवीज़ जो उन्होंने पहले की हैं वो भी थोड़ी मतलब इसी तरह की थी, तो आई थिंक वो रियल रखती हैं स्टोरीज को, इसलिए आपको शायद उसको स्लो लग सकता है। मुझे लगता है ये बहुत ऐसा है, अभी जैसे मैं तो चाहती हूँ सारे ही लोकल हमारे जैसे हॉकी पे जगते हैं, और ये स्पोर्ट्स पे ज़्यादा और ज़्यादा मूवीज़ बन सकती हैं, अगर हम बॉक्सिंग ले सकते हैं वुमेन बॉक्सर्स के ऊपर, अभी जैसे आई थी आमिर खान की, इसी तरह की मूवीज़ बननी चाहिए स्पोर्ट्स। मुझे लगता है सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही नहीं, हम कॉर्पोरेट से लेके हमारे पास तो सब इतने सारे इंडस्ट्री हैं किसी पे भी, लेकिन अगर डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं जैसे ये कबड्डी है, तो हमें जानने का मौका मिलता है थोड़ा और क्लोजली। जैसे मिशन मंगल में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था हम क्या देखेंगे, इट इज़ अ लर्निंग, अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम कुछ चीज़ नई देख कर आते हैं, तो इट्स अच्छी बात है अगर हम नया कुछ टॉपिक उठाते हैं। जो जिन लोगों ने मूवी देखी नहीं है उनके लिए क्या सजेशन है? आई थिंक हर वुमेन ने ज़रूर देखनी चाहिए ये मूवी, अगर वो मतलब आई विल से कि थिएटर में देखनी चाहिए, अगर आप टीवी या किसी और पर देखेंगे तो शायद आपको उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन अगर आप थिएटर में देखेंगे तो आप डेफिनेटली देखोगे, और उससे अगर आप कुछ मतलब लर्निंग बहुत ज़्यादा आप लर्न कर सकते हो मूवी में, कि सब कुछ अगर हमेशा सिचुएशनल, आसपास के लोग रीज़न नहीं है आपके सक्सेस नहीं होने का, मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद ही रीज़न है हमारे सक्सेस नहीं होने का, बिकॉज कंगना ने बीच में एक डायलॉग कहती है कि मैं अपनी लिमिट जानती हूँ, तो ये मोस्ट ऑफ द वुमेन को लगता है ये उनकी लिमिट है कि अगर शादी हो गई तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, अगर ऐसा मेरी शादी हो चुकी है खुद के ही दिमाग में, अगर वो ट्राई करती हैं उस लिमिट के बाहर जाने का तो वो पंगा, जैसे जो आप ड्रीम करते हैं तो वो पंगा लेते हैं, तो ये बात है, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये बात के बारे में अश्विनी अय्यर ने बहुत अच्छे से पिकअप किया। रेटिंग की बात करें तो कितना रेट करना चाहिए? 3.5 और 4 के बीच में होगा ये। थैंक यू, थैंक यू।